हेलो एवरीवन। तो आज हम बिना टमाटर के मटर पनीर बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आज के बाद टमाटर यूज़ करना ही बंद कर देंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक कटोरी दही लेंगे, फ्रेश दही है ये, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा थिक दही है तो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल गरम हो गया है तो उसमें थोड़ी सी जीरा डालेंगे, थोड़ी हींग डालेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन और दो लाल मिर्ची और जीरा और थोड़ी सी अदरक, अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था। और लाल मिर्ची ही डालना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है उसमें, तो वो मैंने इसमें डाला। और वो जब भुन गया हमारा अच्छे से मसाला, तो उसके बाद हमने प्याज पीस कर उसका पेस्ट डाला है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। जब हमारी प्याज अच्छे से पक जाएगी तो ये कढ़ाई से चिपकना बंद कर देगी। उसके बाद हम इसमें 2 छोटे चम्मच बेसन डालेंगे ताकि वो इसके साथ अच्छे से भुन जाए, कच्चापन ना रहे। जब हमारा बेसन अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम जो दही का हमने पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें डालेंगे और थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करेंगे उसमें जो लगा हुआ रहता है। तो उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर कुछ देर के लिए पकाएंगे। और ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखता है, वो होटल और ढाबे में दिखता है। तो उसके लिए आप ऊपर से ऑयल में कश्मीरी लाल मिर्च डालकर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कलर अच्छा दिखाना है। इस तरफ मैंने सफल की मटर ली थी 200 ग्राम, वो मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में 2 सीटी लगाकर बॉईल किया और मैंने पानी के साथ ही सब्जी में ऐड कर दी, उसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं। और 200 ग्राम मैंने मलाई पनीर लिया है मदर डेयरी का, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा पनीर क्रश करके डाला है और बाकी क्यूब्स काट के मैंने डाले हैं। थोड़ी कसूरी मेथी ऐड की है और सब्जी बनकर तैयार है। तो आप बताइए आपको सब्जी कैसी लगी, एक बार ट्राई ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।